अश्पाता बनाओ है, अभी मुझे नीचे जाना पहले। अच्छा तो शाम भाई आए हैं, एंजॉय कर दे फिट है और कोई नवी ताजी इधर भी। हेलो वेलकम बैक न्यू व्लॉग के साथ, मैं हजबरान सलीम और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयून में, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी कैलाश की तरफ और कैलाश का यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है और फिर हम जाएंगे कैलाश। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पीछे पहाड़ वगैरह हैं, उसके बाद पीछे स्कूल है, यहाँ पर हमने रात होटल स्टे किया हुआ था और उसके बाद अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं कैलाश की तरफ। और काफ़ी माशाल्लाह अच्छा सफ़र रहा, काफ़ी ज़बरदस्त रहा ट्रिप। और कैलाश के जाके आपको जो कल्चर है वहाँ के, जो कल्चर वहाँ को जा कर दिखाते हैं कैसे हैं कैसे नहीं, मतलब जो भी एवरीथिंग आपको शो कराएंगे वहाँ पर जाके दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जो अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ये जो मेरे यहाँ पीछे रास्ता देख सकते हैं, ये जा रहा सीधा कैलाश की तरफ और ये जो ये है ये जाता है चित्राल और हमने जाना है इस तरफ कैलाश। और पीछे आपको शायद नज़र आ रहा होगा शेर जो बना था हुआ, वो शेर नहीं और बिल्ली है। अच्छा बनाया अपनी तरह से शेर ही भाई। क्या ठीक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। कैसा रहा टूर आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बड़ा इंजॉय किया है। अच्छा बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ पड़ी है। अच्छा तो और पानी आ रहा पहाड़ों से, बड़ा ठंडा ठार खूबसूरत हवाएँ, ठंडी फिजाएँ, बहुत यहाँ पर। ये एक बात है पंजाब में अभी मेरे ख्याल से गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे मौसम अच्छा है, बर्फ़ है पहाड़ों पे जमी हुई और सर्दी लगती है यहाँ पे, रात को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अच्छा तो ये हमारी गाड़ी है, इस पर हम जा रहे हैं और ये भाई ड्राइवर है, मतलब लेके जा रहे हैं जो हमें। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से? एक घंटा लगेगा। अच्छा 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे के बाद। रास्ते में अच्छे से मंजर आते हैं नज़र? अच्छे खूबसूरत नज़र आएंगे तो आपको सब दिखाते जाएँगे साथ साथ। ये जहाँ पे हमने रात को स्टे किया हुआ था, इस होटल का नाम पैराडाइज है और पैराडाइज अच्छा, मतलब अच्छा एवरेज और सस्ता भी है और अच्छा भी है होटल। अगर कोई ये भी आता है अयून में, यहाँ पे आके स्टे कर सकता है। इस तरह भी बने हुए हैं, ठीक है, सारे कमरे वगैरह मतलब सही हैं, नॉर्मल मतलब नहीं है, मतलब आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपको अगर कोई बजट वाला सीन है या मतलब कोई मैनेज नहीं कर सकता तो पैराडाइज होटल है या फिर अयून में, थोड़ा सा अंदर आएंगे तो ये है। तो ये हाई साहब है अपने, तो यहाँ ये यहाँ पे होते हैं, आप अगर आना चाहें तो इनसे आकर रब्ता कर सकते हैं। तो लो जी अभी हम निकल चुके हैं कैलाश की तरफ और अभी सभी गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी चल पड़ी हुई कब से, और अभी हम जा रहे हैं कैलाश की तरफ और घंटे तक हम पहुंच जाएंगे। तो चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं आज के सफ़र पर। ये है कैलाश का जो बॉर्डर होता है, क्रॉस करना होता है, और यहाँ पे जो पुल है, यहाँ से एक चीज़ है, यहाँ से पहले आपको एंट्री करानी पड़ती है, बॉर्डर क्रॉसिंग के कुछ चार्जेस होते हैं वो आपको यहाँ पे पे करने होते हैं, उसके बाद हमें फिर आगे जाने देते हैं। और आपको माशाल्लाह यहाँ पर चेक कराते हैं, पीछे देखते हैं पहाड़ वगैरह, ये अभी पुल है और नीचे पानी बह जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है नीचे। अभी हमने यहाँ पर जो टैक्स वगैरह था वो हमने पे कर दिया और अभी हम निकलने लगे हैं इस तरफ कैलाश की साइड पर। ये आप पीछे देख सकते, ये सीधा रास्ता कैलाश की तरफ जा रहा है और ये इनका बॉर्डर है। ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है और ये पीछे गाड़ी लेके आया है भाई, बहुत स्पीड से लेके आया लेकिन लग रही है अभी लेके निकल गया, पहले काफ़ी घंटा हो गया यहाँ पे फंसा हुआ था। तो अभी हम जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है, इसकी वजह से ना काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। अभी हम नीचे उतरे, धक्का लगाया फिर अभी बैठे और अभी फिर बैठने लगे। तो चलो, तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कैलाश और यहाँ पे अभी हम सबसे पहले कोई होटल वगैरह देख रहे हैं। होटल में सब जो हम सामान लेके आए हैं, बाकी अपनी गाड़ी उधर खड़ी की हुई है, हम इस गाड़ी में आए हैं तो अभी कोई सामान वगैरह वहाँ पे रखेंगे, तो फिर टूर करते हैं इनके कल्चर का और दिखाते हैं, फिर घूमते हैं। और इस तरफ 2 किलोमीटर के आगे आएगा शिखांदा, कोई विलेज सा है। उसके बाद कैसा रहा यार भाई टूर? बहुत मज़ा आ रहा है टूर का। अच्छा और
ये है कि हमारी जो गाड़ी थी वो आगे नहीं आ सकती थी, इसलिए हमने इधर की गाड़ी करवाई है लोकल की। अच्छा। और वाकई ही हम तो ये सजेस्ट करेंगे आपको कि अपनी गाड़ी इधर ना लेकर आए। हाँ, ये मैंने देखा है यहाँ पे अपनी गाड़ी, ज्यादा फिर बंदा मुश्किल में पड़ सकता है वापसी जाने के लिए भी। अच्छा। खतरा। अभी मैं चाय शाय पीने लगा हूँ, फ्रेश हो जाऊँगा। और माशाल्लाह पीछे व्यू चेक करें, हम शीशे का काम हुआ है पीछे, आप सारे नीचे से आप सारे जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत व्यू है। फाइनली चाय आ चुकी है और चाय पीने लगा हूँ अभी। और ये है होटल जहाँ हमने स्टे किया हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। और ये लकड़ी के सारे बने हुए हैं और यहाँ पर लौंडे बैठ के ना इंजॉय कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। यहाँ के नज़ारे चेक करें भाई, ये और काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पे एयर फ्रेश होती है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है। और अभी मैं अपना बैग शैग यहाँ पे रखूँगा और फिर अभी निकलता हूँ बाज़ार की तरफ बाहर, और बाहर जाके आपको दिखाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। और यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ कल्चर के वो बताया जाता है कि पता नहीं ये ऐसी कोई लड़कियाँ भाग जाती हैं, शादी करती हैं, वो सभी आपको आज दिखाएँगे और सच क्या है वो बताएँगे। ड्रेस वगैरह और बच्चों के भी रखे हैं उन्होंने। तो अभी मैं जाता हूँ बाज़ार के अंदर, गली है, गली में आपको जाकर दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे इस तरफ भी उन्होंने लगाए हुए जो मतलब ड्रेसेस वगैरह जो होते हैं इनके, और ये इनके बाज़ार हैं, गली हैं इनकी। और अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर फॉरनर्स वगैरह भी आए हैं और ये इनके बाज़ार हैं, ये मेन बाज़ार है। ये जब इनके फेस्टिवल वगैरह होते हैं तभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ओपन माइंडेड ही हैं, मतलब इतना भी नहीं होता कि आप बात भी ना कर सकें, लेकिन बात करते हैं लेकिन उनकी परमिशन के विदाउट परमिशन नहीं करने देते। यहाँ पे बात कर सकते हैं लेकिन उनकी परमिशन ले के पहले फिर वीडियो बना सकते हैं। और ये कच्चे मकान वगैरह हैं लकड़ी के ज़्यादा, और ये छोटे छोटे बाज़ार हैं इनके, और काफ़ी हर किस्म के आप यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इनके जो ड्रेस वगैरह होते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं। सुल्तान खान है ये, और ये नियामत खान। अच्छा, कौन कौन सी अच्छी जगह मुझे यहाँ पे बताओ ज़रा। गांव में तो चलो फिर अभी जाएंगे हम गांव में ना घूमने, तो फिर चलते हैं। स्कूल से आ गए वापस? स्कूल से वापस आ गए? चल सही है, छुट्टी हो गई है तो ये बच्चे हमें घुमाएँगे। 50,000 रुपये दूँगा तुम्हें, ठीक है, इससे 1 रुपया और ज़्यादा नहीं दूँगा, ठीक है। ये हैं अपने एहतशाम भाई, ये आए रावलपिंडी से। हाँ जी भरा जी, क्या हाल? ठीक हो? अच्छा, एहतशाम भाई आए हैं, इंजॉय कर देते हैं? मज़ा आ रहे हैं, ठीक हो गया। वैसे मौसम आप क्या हैं? क्लाश वैली विजिट करें, बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ बताएं इनको ज़रा। आजकल कुछ सख्ती ज़्यादा बनी हुई है। अच्छा, दूसरी बार आ रहे हो? सही सही बन गई है। हाँ, बन गई है। अच्छा सही हो गया, और मिलते हैं फिर अभी हैं। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं शेखानंदा, और यहाँ से मेरे ख्याल 2 किलोमीटर का रास्ता है। पैदल मार्च करना है? अच्छा, पैदल मार्च कर रहे हैं। और ये भाई साथ तरबूज भी लेके आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे अगर हमें खिला दे तो सही है। और उसके बाद ऊपर जाते हैं, फिर आपको जाके वहाँ पर दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं पहले। स्कूल से आ रहे हो? कौन सी जमात में पढ़ते हो? 6 में हो? वाह, इकराई ओपन जीप, और अभी इस पर हम घूम रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने कहा थोड़ा सा अंदर गाड़ी में बैठ कर तो मज़ा नहीं आता, लेकिन ओपन जब देखते हैं ना ये पहाड़ वगैरह, और काफ़ी लविश किस्म का लविश एंड तार, तो यहाँ पे ऊपर तार भी है, तार को हाथ लग गया तो मैं तो ऐसे ऐसे डांस करना शुरू हो जाऊँगा, बिकॉज यहाँ पे हाइट बहुत कम है और कम है, नीचे होना पड़ेगा वरना आप उनकी बत्ती बनने में टाइम नहीं लगेगा। लो जी अभी लंच करने लगे हैं और इस टाइम भूख भी काफ़ी लगी है, मज़ेदार लगी है कढ़ाई मुझे, और ये साथ नान वगैरह चपातियाँ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है।
तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं इनके कब्रिस्तान, मतलब कैसे ये दफनाते हैं या कैसे रखते हैं उसकी थोड़ी डिटेल अदनान भाई को है वो सारी बताएंगे। अदनान भाई ज़रा बताएंगे मतलब कैसे रखते हैं और क्या सीन है इनका। तो इधर का जो इनका कब्रिस्तान है उसको ये अपनी ज़ुबान में मंडाजा कहते हैं। मंडाजा मतलब मंडाजा बोलते हैं उसको, मंडाजा अपनी ज़ुबान में कहते हैं। अपनी ज़ुबान मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ बाद में। अभी मेरे ख्याल से ये नया नया उन्होंने किसी ने अभी लाश छोड़ दी है। ठीक है। अच्छा तो इस तरह है कि ये जब इनका कोई बंदा फौत होता है, कोई मर्द हो या चाहे औरत हो, अच्छा, तो ये उसको ना ताबूत में, एक लकड़ी के ताबूत में ला के और इधर मतलब के रख देते हैं। अच्छा अच्छा। मसलन के इनको दफन नहीं करते जैसे मुसलमान दफन करते हैं अपने। अच्छा अच्छा, सही सही। ठीक है, सही हो। तो इनका ये कल्चर है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको हड्डी वगैरह नज़र आ रही होगी इसमें। और बाकी बच्चे खेल रहे हैं। हमारा बच्चा किधर गया? वो देखो वो बच्चा है। अभी हम नीचे जा रहे हैं, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता बना हुआ है, अभी मुझे नीचे जाना है। पहले पॉपकॉर्न दे रहे हैं, ये पॉपकॉर्न खाते हैं। अशपाता ये पॉपकॉर्न खाया मैंने, मज़े गए। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट की जो भी चीज़ें होती स्टफ़ होता है, मतलब कि इनका जो कल्चर होता है वो मतलब आपने अक्सर देखा होगा, ये सभी उनको यहाँ से मिलते हैं। ये मेन बाज़ार है, जैसे सिटी सेंटर बने होते हैं ना वैसे इनका ये एक है एरिया, वहाँ पे आपको एक दो चार पांच दुकानें नज़र आएंगी और वक्फे पे आपको ऐसी दुकानें नज़र आती रहेंगी। और काफ़ी अच्छे तरीके से ये हाथ से जो चीज़ें होती हैं हाथ से बनती हैं, मतलब ये मशीन वगैरह से नहीं बनती, ये टोटली हाथ से बनती है, तो काफ़ी अच्छा है। आपका नाम क्या भाई? साइरस। साइरस, ये साइरस भाई हैं और ये बता रहे हैं ये इनकी शॉप है, और जब भी आएँ तो आप उनसे विज़िट लाजमी कीजिएगा। तो फाइनली ये था अपना आज का व्लॉग, और अगर व्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में। और अल्लाह।